राम राम दोस्तों, गुड आफ्टरनून। रास्ते में जा ही रहा था अपने कैंप साइट तक, और थोड़ा रुकते रुकते जाता हूँ ना मैं हमेशा, अक्सर ऐसे ही थोड़ा रेस्ट लेते लेते, क्योंकि पहाड़ी चढ़ रहा हूँ अभी। देखिए बहुत ऊंची वाली पहाड़ी, थोड़ा रिक्लाइन है ऐसे, और भी थोड़ा आगे जाना है मुझे। तो जाते वक्त मुझे क्या दिख गया, देखिए यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रुका, और ये देखिए फल। ये कौन सा पेड़ है और ये कैसे फल है, अगर आप में से कोई जानते हैं तो बताइएगा कमेंट्स में। बीन्स जैसे दिख रहे हैं, खा सकते हैं क्या इनको? या प्रॉब्लम हो सकता है, जहरीले होंगे, खाने पर टपक जाएंगे इधर ही, नहीं तो बताना आप कमेंट्स में क्या फल है ये। बढ़िया दिख रहे हैं बीन्स के जैसे तो मुझे। दोस्तों करीबन आधा रास्ता चढ़ा ही था, यहाँ पर एक और फल दिख गया। देखिए ये किस टाइप का फल है बताइएगा कमेंट्स में, मुझे नहीं मालूम नाम इसका, लेकिन इसको भी खा सकते हैं। और जब पका होगा ना, तब मैंने खाया भी है जब पका हुआ था, फिलहाल पके नहीं है, समर के टाइम में पक जाएंगे ये पेड़। देखिए नाम बताइएगा क्या नाम है इस फल का। अब इसको कौन नहीं जानता दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट होता है, मेरा भी वन ऑफ दी फेवरेट है। और अभी आने वाले समर में बहुत सारे फल इस एरिया में खाने को मिलेंगे, ये भी वो भी फल है, समर के टाइम में ये सब पकते हैं ना। बढ़िया हो गया। और पूजा होने के बाद हमारा, जो मेरे एक कैंपिंग में बताया था शायद दो कैंपिंग पहले, कि जब तक ये पूजा नहीं होता हम नहीं खा सकते, तो वो रिचुअल थोड़ा पूरा हो जाए उसके बाद आम को लेंगे, मिर्ची वगैरह नमक वगैरह लगा के उसको टेस्ट करेंगे, कच्चे आम को भी पकने से पहले थोड़ा मज़ा ले लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों जाते वक्त अभी रास्ते में ये भी क्या दिख गया, देखिए खजूर, छोटा सा पेड़ है, खजूर हुआ इसमें, ये भी पके नहीं है। मतलब आज एक ही दिन में कितने सारे फल मिल गए मुझे, रास्ते में आते वक्त दिख गए। देखिए अगर ये सब पके होते ना, आज ये नेचर की चीज़ें खा खा कर ही मेरे पेट भर जाता, डिनर में बस थोड़ा सा कुछ बनाने से भी काम बन जाता। बहुत सारे नेचुरल चीज़ें, मतलब सर्वाइवल कैंपिंग हो जाता मेरा आज तो, बिना कुछ अपने से बनाए हुए, सिर्फ नेचर की चीज़ें खा खा कर आराम से टाइम बिता सकते हम, लेकिन पके नहीं है अनफॉर्चुनेटली। फ्यूचर में अगर पकेंगे तब देखेंगे, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर फलों वाले। चेयर लाया हूँ आज, बाहर बैठ के थोड़ा रिलैक्स करेंगे, हवाएं तो अच्छी चल रही है, पहाड़ी के ऊपर हूँ मैं इसलिए।
क्योंकि दोस्तों पहाड़ी के ऊपर हूँ और हवा चल रही है अच्छी भली, मस्त लग रही है अभी, रिलैक्सिंग बढ़िया फील हो रहा है मुझे अभी, इसीलिए ही आज कॉफ़ी बना रहा हूँ। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ऊपर और ऐसे टाइम में कॉफ़ी पिया जा सकता है, गर्मी इतना फील नहीं हो रहा है मुझे यहाँ पर। काफ़ी दिनों के बाद कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं, बहुत दिन हो गए थे। ब्यूटीफुल सनसेट भी हो रहा है उधर देखिए। तो दोस्तों कॉफ़ी मेरा ख़त्म हो गया, काफ़ी रिलैक्स कर लिया मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा फील भी आया। सनसेट हो चुका है, अभी थोड़ा जाऊंगा आसपास, लकड़ियाँ थोड़ा ढूंढूंगा, लकड़ियाँ ढूंढ के लाते हैं, रात को बॉनफायर टाइप का कुछ आग जलाएंगे, सेफ्टी भी हो जाएगा, अच्छा लगेगा। चलता हूँ उस तरफ भी जाऊँगा, देखता हूँ क्या मिलता है लकड़ियाँ। तो दोस्तों कुछ कुछ लकड़ियाँ तो मुझे मिले, ढूंढ ही रहा था, कुछ कुछ कलेक्ट किया और भी थोड़ा कलेक्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पर मुझे एक पेड़ दिखा, इसको इसके पत्ते को खा सकते हैं साग की तरह, वैसे ज़्यादा तो नहीं है, नरम नरम वाले खा सकते हैं। ये छोटे छोटे कुछ कुछ मैं तोड़ लूँगा, रात के जो रात को डिनर बनाऊँगा उसमें मिला लूँगा। प्लान तो नहीं था, अभी दिख ही गया है, थोड़ा नेचुरल चीज़ें भी खाने की कोशिश करते हैं ना। सॉफ्ट पत्ते ज़्यादा नहीं है, दो चार है, तोड़ लूँगा, इसको खाया जाता है साग की तरह। बस टेस्ट के लिए मिला लूँगा ऐसे कुछ। चलिए अंधेरा तो हो गया है, प्रिपरेशन करेंगे, सब्जियां काट लेता हूँ मैं। तो काटना मेरा हो गया दोस्तों, ज़्यादा कुछ तो नहीं था, कैप्सिकम गाजर प्याज, बाकी अंडे लाया हूँ, साथ में है पास्ता, मैदा का नहीं है, आटे का पास्ता है, कुछ अलग तरीके से अपने तरीके से नए तरीके से बना लूँगा, देखते रहिए क्या क्या प्रोसेस से मैं बनाता हूँ।
सबसे पहले इसको उबाल लेंगे। अभी जब तक ये उबलता है तब तक अंडे का भी बंदोबस्त कर लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। चलो ये तो तैयार हो गया, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। जब तक इसको बनाया सेट किया तब तक ये भी हो चुका है, अभी पानी निकाल देंगे। जल्दी से ठंडे पानी से थोड़ा धो लेंगे, नहीं तो चिपचिपा हो जाएंगे ना ये। इसका भी ठंडे पानी से सारे सब्जियां भी एक साथ फ्राई कर लेंगे। अब देखिए ये जो पत्ते तोड़ के लाया था इसको भी डाल देंगे। बढ़िया फ्राई हो गए होंगे। अभी सही टाइम है, इसमें मिला लेंगे पास्ता। अब सबसे पहले डालूंगा थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा विनेगर भी लाया था ये भी डाल देंगे थोड़ा। अब ब्लैक पेपर पाउडर, डालूंगा थोड़ा सा मसाला पाउडर। क्योंकि अलग तरीके से मैं बना रहा हूं, अब टाइम है अंडा डाल देंगे। बहुत ही डिफरेंट तरीका ये,
पहली बार ऐसे तरीके से बना रहा हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो खुशबू भी बहुत ही बढ़िया है। बस ये अंडे थोड़े कच्चे होंगे, इसलिए थोड़ी देर ये अंडे पक जाए, उसके बाद अंदर का टेक्सचर भी दिखाऊंगा आपको। काफी रात भी हो चुकी है, इसी बीच ये सब करते करते, हालांकि कोई जानवरों का नामो निशान नहीं अभी तक फिलहाल, फिर भी मैं थोड़ा सतर्क रहूंगा, लाइट वेट डाल के देखूंगा इधर उधर थोड़ा क्या हाल है आसपास। देख रहे हैं दोस्तों कैसे फ्राई हो गया है, बढ़िया टेक्सचर है, खुशबू तो सॉलिड है, एक नंबर खुशबू, एकदम खिले खिले, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं, मस्त बन गया ये। खाना भी परोस लेंगे, आग तो जल चुका है अपना। छोटा प्लेट है इसलिए कम कम लेना पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा डाल दूंगा। देखिए पिज्जा पास्ता सॉस भी लाया था, थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल देंगे। और इसके ऊपर चिली सॉस भी थोड़ा डाल देंगे। अब ये तैयार है खाने के लिए। बढ़िया आग जल रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है बोन फायर देख के। अभी खाना टेस्ट करके बताता हूँ आपको क्या लग रहा है। एकदम नंबर वन सॉलिड। नमक वगैरह सब कुछ परफेक्ट, ज़्यादा तीखा भी नहीं। और जो पिज्ज़ा पास्ता सॉस चिली सॉस थोड़ा अच्छे से कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, बढ़िया टेस्ट दे रहे, फ्लेवर दे रहे हैं। मज़ा आ गया। दोस्तों हाँ, सीधा लेटने के बाद बहुत ही बढ़िया फील आ रहा है, अभी मस्त रिलैक्सिंग, सारा काम ख़त्म कर दिया, दोना वोना सब कुछ। थोड़ा सा फायरवुड मैंने डाल दिया है, अब हल्का हल्का आग बाहर जलता रहेगा थोड़ी देर के लिए, धुआं क्रिएट होता रहेगा, जिससे मुझे सेफ्टी भी हो जाएगा, कोई जानवर वानवर इतनी आसानी से पास नहीं आएंगे। वैसे तो आज नोटिस नहीं किया आसपास, मैंने जितना भी नज़र डाला आसपास कोई जानवरों का नामो निशान फिलहाल नहीं है, अगर रात में होता है तो अपडेट करूंगा ज़रूर मैं।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या सियार वगैरह आएंगे और खरगोश रहते हैं बहुत सारे इस आसपास, उनका वो देखा मैंने, छोड़ के जाते हैं ना, उससे पता लगा खरगोश ज़्यादा है यहाँ पर। बाकी देखते हैं रात में और क्या एडवेंचर होता है, कुछ होता है तो अपडेट करेंगे, नहीं तो चैन की रिलैक्सिंग नींद सो जाएंगे। मस्त सूदिंग लग रहा है अभी, होप करता हूँ आप सबको भी बहुत रिलैक्सिंग लगा होगा आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट से बताइएगा, अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा, क्या क्या पसंद आया, क्या क्या और देखना चाहेंगे। बाकी जल्दी मिलूँगा मैं आप सबसे, ठीक है दोस्तों, तो आप भी रिलैक्स होकर मस्त नींद सो जाइए, मैं भी बढ़िया सो जाऊँगा अभी, अर्ली मॉर्निंग उठ के भाग जाऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, जल्दी मिलेंगे एक टेक वीडियो में, ब्लॉग में या फिर नई कैंपिंग वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। अरे देखिए देखिए देखा, जानवर की बात कर ही रहा था, शेयर लोगी ये शेयर चिल्ला रहे हैं, देखिए अभी इन्हीं की ही मैं बात कर रहा था, लेकिन ये बहुत दूर है, अभी टेंट के आसपास नहीं है, देखा। कभी भी कुछ भी एडवेंचर हो सकता है, कैंपिंग में कुछ गारंटी नहीं दे सकते आप, ठीक है दोस्तों। अगर पास में आते हैं तो मैं आपको अपडेट करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं आते हैं तो ऐसे ही छुप के सो जाऊंगा टेंट के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलता हूं अभी, राम राम, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, लाइट वाइट बंद कर देंगे, आय हाय ये बटन कहाँ गया, पहले इसको बंद कर दूं बड़ा वाला।